हाय दोस्तों, मैं हूं आपके साथ यास्मीन। शाहिद कपूर और कियारा आडवाणी की फिल्म ने रिलीज होते ही धूम मचा दी है। फिल्म ने पहले दिन 20 करोड़ 21 लाख रुपए की कमाई की। इसी के साथ ये फिल्म इस साल फोर्थ हाईएस्ट ओपनर ऑफ द ईयर बन चुकी है, जिसकी जानकारी ट्रेड एक्सपर्ट तरन आदर्श ने ट्विटर के जरिए दी है। तरन ने ट्वीट कर लिखा, टॉप 5 डे 1 बिजनेस 2019 रिलीजेस। भारत रुपीज 42.30 करोड़, कलंक 21.60 करोड़, केसरी 21.06 करोड़, कबीर सिंह 20.21 करोड़, गली बॉय 19.40 करोड़। वहीं दूसरी तरफ शाहिद की फिल्म कबीर सिंह ने पहले दिन कमाई के मामले में रणवीर सिंह की गली बॉय और अजय देवगन की टोटल धमाल को भी कमाई के मामले में पीछे छोड़ दिया है। जहां एक तरफ गली बॉय ने पहले दिन सिर्फ 19 करोड़ 40 लाख रुपए की कमाई की थी, वहीं टोटल धमाल ने 16 करोड़ 50 लाख का कारोबार किया था। ऐसे में देखा जाए तो ये दोनों ही फिल्में कबीर सिंह से पीछे छूट गई हैं। बता दें कि कबीर सिंह को क्रिटिक्स ने बेहद ही शानदार रिव्यूज दिए हैं। इसके अलावा दर्शकों और बॉलीवुड सेलेब्स को भी ये फिल्म काफी पसंद आई है। संदीप वांगा के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को जिस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है, उसे देख कर तो ऐसा ही लगता है ये फिल्म 100 करोड़ का आंकड़ा बड़े ही आराम से पार कर लेगी। वैसे अगर आपने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी है तो अभी जाकर देखिए और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। कुछ याद ही नहीं है, सब फ्यूज हो गया है सब कुछ, यू नो, व्हेन यू आर सो क्लोज टू द रिलीज ऑफ अ फिल्म, बिटवीन द एंग्जायटी एंड द यू नो नर्वसनेस ऑफ हाउ पीपल आर गोइंग टू रिएक्ट टू इट एंड व्हाट पीपल आर गोइंग टू फील, एंड बिटवीन द नॉन स्टॉप स्केड्यूल दैट यू हैव गोइंग फ्रॉम ए टू बी टू सी टू प्रमोट, द गुड थिंग इज दैट यू बिकम नाउ, सो आई एम लाइक और से देखिए इस बंदे को, ये बिल्कुल हमारे इंटरव्यू में इंटरेस्टेड नहीं है। एक जो संदीप ने कहा मैं फिर कर सकता हूँ, ए तू सवाल पूछा उसके अंदर भी देखता नहीं है, अब क्यों यहाँ से नॉट अपडेट में। I was epic bro, that's gone down like thug life videos like, you know. Yeah, I'm very jealous of him. I wish I also had like a really cool thug life video like that. Give some hard answers. Have you not seen this? It's happened at the press conference. Where were you? Have you all seen Shahid's Insta story today? Please, somebody go. Who has Instagram? Okay, great. Go on Shahid. The press is Insta story. Nayan, leave a right here. Come on. Open Insta story. Can you do this for us live? It's chal raha hai. Yeah, go. Please show this to everyone. Everybody is to put. It's bad. Kabira has arrived. Yeah, I was getting very jealous of all the glamour that Kiara was bringing. So I decided that I need to add some of my. And this is actually matching. This is matching Kiara's lip color today. Kiara, would you like to show that? Sorry. So obsessed. Thanks so much. Coming from such handsome women. Thank you so much. तो ये सब क्या म्यूट पे था भाई? आ रहे हैं Zoom का माइक आ रहा है, E24 का माइक आ रहा है, to all the viewers of Zoom and E24, this is Shahid Kapoor and this is Kiara Advani. Thanks for being here in Pune. We have to make this entertaining, guys. This has to be a chill, entertaining sesh. वहाँ पे खाने में क्या क्या, पहले बताओ क्या क्या खाया तुम लोगों ने, इन्हें माइक दिया जाए।
आलू टिक्की फॉर मी मतलब तूने खाया और मुझे मेरा पेट भर जाएगा. अच्छा तो यू हैड वेज जस्ट फॉर मी. तो कितनी चीजें करता है मेरे लिए नयंदी. आलू टिक्की चाट इज वेरी गुड. उसको चाट लिया. चिकन टिक्का टी केक. बड़े सारे ऑप्शन है, हमें कुछ नहीं मिला, हमने दूधी खाई. While we are having this very important conversation, mine and Kiara's teams, okay, a big round of applause for our teams, first of all, guys, come on. Mine and Kiara's teams are hogging the banquet, because they're like, if I may, that shit, I've been working for the last 10 days and I haven't slept, I'm gonna eat some good shit. And they're still not soft. Parvez, bro, mele bhi dabane chala, bro. माही हंस रहा है. हाय मेरे लाल पीटे काले नीले. माही गाइस हु इज एन असिस्टेंट टू माय मेकअप आर्टिस्ट जेम्स हैज एन अमेजिंग एबिलिटी. यू नो ही कैन स्टैंड इन वन प्लेस एंड स्लीप. सो या सो ही कैन बी होल्डिंग द मिरर लाइक दिस एंड ही कैन बी स्नोरिंग. माही थोड़ा लेफ्ट बैंकर. हाँ सर. माही मैं तेरे पीछे हूँ. ओ सॉरी सर. सो या दैट्स द अमेजिंग वन एंड ओनली माही. वी लव यू माही. He's the kind of lover every girl eventually would want, you know, who's head over heels and who's protective, and I think that's why Preeti falls in love with him. Or you can remove the piration part and just stick to the first three letters. That could also apply to a certain phase of Kabir. Samajh mein hai nahi samajh mein hai. He could be one sometimes. Yeah. Aspirational means aspirational nikal. Which makes him very unique, and that's what was very appealing to me. I think he can be very extreme as a lover, and that's the part that can be damaging for people. But he also loves very purely, and he can dedicate himself to somebody else, and I think that's a very rare quality in people, especially these days. You don't find it so often. And I think that's aspirational. But the way he deals with certain things, I would definitely not suggest, and I would say Kabir Singh is quite hanikarak for your sehat. So, you know, but films are about showcasing reality and showing all phases of a human being's life. I mean, if you don't see black, how do you know the difference between white and black? You have to show black for white to stand out. So, Kabir is like that, like all of us, you know. Just on that note itself, because you mentioned how we need to show all shades of a character of a human being, because we all are flawed. So, but do you feel when we are making films, the gaze at which we are looking, that's your job, no? If I start critiquing my own character, I won't be able to be him. So, yeah, my role is to represent him honestly and to play him for how he is. And it's for you to decide which part of him you liked, which part of him you didn't like. Because see, good and bad is a part of life. But what's most important is the intent. You know, we all make mistakes. I mean, when I speak to my friends or I speak to my family, it's always, it's not about what you did.
We all make mistakes, we all behave badly. But if the intent behind that is to hurt someone deliberately or to do something negative, then that's not something that one can appreciate. But if it's coming from a good place, but you're behaving badly, which also happens, you know. So the intent is most important for me when I view a character. And I think Kabir has very pure intent. But because he's flawed, he behaves in different ways. And that's why he's a character that probably is worth watching on the big screen, because he has the ability to surprise you. And he has the ability to, you know, make impact.